अध्यक्ष जी का टशन तो देखिए, गाड़ी में हूटर लगाकर ठाट से बैठे हैं, लेकिन पुलिस ने गाड़ी रोककर सारी हेकड़ी निकाल दी। जरा गाड़ी पर नजर डाली, गाड़ी की छत पर हूटर लगा है, उस पर फूलों की माला चढ़ी है। ये तस्वीरें इंदौर की है, जहां अखिल भारतीय बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार अपनी गाड़ी में VVIP की तरह हूटर लगाकर घूम रहे थे। देर रात विजयनगर में चेकिंग के दौरान हूटर लगी मनोज की गाड़ी को पुलिस ने रोका, लेकिन तब भी अध्यक्ष जी अपनी गाड़ी से निकले और रौब दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने परमार की सारी हेकड़ी निकाल दी और ₹3,000 चालानी कार्रवाई कर पुलिस ने गाड़ी से हूटर निकलवा दिया और चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया। देखिए, चेकिंग को प्राथमिकता से चलाया जा रहा है और नाइट पुलिसिंग को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। और चेकिंग का मेन मुद्दा यह होता है कि जो भी ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केसेस हैं उनको देखा जाए तो उसमें 185 की कार्रवाई की जाती है, और बाकी जो भी ट्रिपलिंग वगैरह चल रहे हैं, थोड़े से आपराधिक टाइप के तत्व जो रहते हैं उनको, उनके बारे में पूछताछ की जाती है। और हर थाना क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट्स पे चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र के अंदर भी 2 चेकिंग पॉइंट्स हैं और लसूड़िया के अंदर भी 2 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। उसमें हम लोग के द्वारा जनरली ये देखा जाता है कि बहुत लोग जो अपने पब्स वगैरह से निकलते हैं तो उनको ड्रिंक करके ना चलाएं, उसमें ब्रेथ एनालाइजर के थ्रू उनकी चेकिंग भी की जाती है, और साथ ही साथ जो गाड़ियों जो किसी भी तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती है उन पर भी नज़र रखी जाती है। खास करके कुछ कुछ गाड़ियों में देखा जाता है जो प्राइवेट व्हीकल में हूटर वगैरह लगा लिए जाते हैं तो उनको भी चालानी कार्रवाई की जाती है उन पर। आज भी कुछ हूटरों पर कार्रवाई की गई? हाँ, मतलब आसपास दीगर जिलों की कुछ गाड़ियाँ थी जिनका जो यहाँ से पास हो रही थी तो उनको भी पकड़ के उनसे पूछताछ की गई और उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। हूटर भी खुलवाएगा या किसी तरह के फाइन दिया जाएगा? इसमें फाइन की प्रक्रिया होती है और फिर उनको हूटर भी निकलवाए जाते हैं। दरअसल प्रदेश में निजी गाड़ियों पर हूटर लगाकर घूमने का कोई प्रावधान नहीं है। फिलहाल बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि कुछ मामलों में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। फिलहाल मनोज परमार ने अपनी गाड़ी से हूटर हटा भी दिया है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।